हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज पार्ट फोर्थ के अंदर फिर से मैं 30 समथिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, उनसे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन निकल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो थर्ड पार्ट के अंदर मैंने 30 क्वेश्चन बताए, उनसे रिलेटेड 100 to 150 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बता दिए, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, एम्स बहुत सारे मिनिमम टॉपिक एक जगह करता है, उनके अंदर से घूम फिरा के क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि उनके ऑप्शन वही डालता है और उन ऑप्शन में से दूसरी बार क्वेश्चन निकालता है, तो ठीक है। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऑप्शनों पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, और ऑप्शनों पे जो भी पूछा गया है और उससे जो क्वेश्चन बना है उसमें भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है। तो उनके अंदर से जो भी क्वेश्चन निकल के आते हैं उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने नर्सिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बताने वाला हूं फर्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम इज रिच फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क एक्सेप्ट, ठीक है। कोलेस्ट्रम होता है, इसके अंदर से देखिए मैं आंसर पहले नहीं बता रहा आपको, पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या है। इसके क्वेश्चन के पीछे ये कोलेस्ट्रम आपको पूछ लिया, अगली बार आपको हिंड मिल्क पूछ लेगा, अगली बार आपको फोर मिल्क पूछ लेगा, रिलेटेड टू क्वेश्चन घुमाता रहता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिए। अभी इसके अंदर ऑप्शन आएगा ओ आएगा, डी आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रम के अंदर जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है ऐसे ही पूछ लेगा, अगली बार हिंड मिल्क कब सीक्रेट होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, फोर मिल्क में कौन सा होता है, वाटर मिल्क कौन सा होता है, ठीक है, यानी कि थिकेस्ट मिल्क कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो ओल आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट ओल ही है, और क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम भी होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो इसके अंदर एक्सेप्ट क्या आएगा, डी, ठीक है। चलिए दूसरी क्वेश्चन के चलते हैं। ऑप्टिमम टाइम टू स्टार्ट वीनिंग, यानी कि इसके अंदर पूछा है कि ऑप्टिमम टाइम कौन सा होता है वीनिंग का। वीनिंग का मतलब होता है ब्रेस्ट मिल्क क्लोज करना, क्लोज प्रॉपरली क्लोज नहीं करना, कि जो हम 3-4 बार 5-6 बार यानी कि मिनिमम होता है कि 6 से 7 बार ब्रेस्ट फीडिंग तो करवानी ही चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रेस्ट, एक बार इससे, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो मैं बोलने वाला हूँ कि इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा बी, 6 मंथ बाद में हम एक्सटर्नली फूड दे सकते हैं बच्चे को, तो ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच फैक्टर प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क मेक कॉज जॉइंटिस इन न्यू बॉर्न, ठीक है। अब ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा फैक्टर होता है जो प्रिवेंट करता है जॉइंटिस को, ठीक है, न्यू बॉर्न के अंदर। तो इसके अंदर आंसर तो आपको याद होगा कि प्रेग्नेंट ड्यूल, मैं आपको बता भी देता हूँ, इसके अंदर ए ऑप्शन आने वाला है, प्रेग्नेंट ड्यूल, ठीक है। तो अब देखिए ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, DHA होता है जो कि बोन वीटा की तरह काम करता है, और भी AGA हो गया, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए हो गया, ऐसे भी बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं बहुत सारे डिजीज को। तो कौन कौन से कंटेंट होते हैं इसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो वो जरूर पढ़ लें, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है ब्रेस्ट मिल्क। जैसे मैंने अभी मैं सब्जेक्ट के टॉपिक भी इंक्लूड करूंगा तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क जरूर कर दूंगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से हमेशा हर पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर आएगा ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक एनोमली, ठीक है, कंजेनाइटल कार्डियक एनोमली इज इन डाउन सिंड्रोम इज, यानी कि सबसे जो कॉमन होता है कंजेनाइटल एनोमली कौन सा होता है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कम से कम 5-6 बार आ गया है, तो इसको गड़ा गड़ा के पढ़ लीजिए। ए ऑप्शन इसमें आएगा, ये ऑप्शन आपको याद रखना है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट, यानी कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक एनोमली है डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन सा होता है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which test does not include in triple marker test? ठीक है, तो इसके अंदर बताना है आपको, आंसर आपके सामने है, आंसर मुझे आपको, आंसर इसलिए मैंने सामने रखा है क्योंकि आपको याद ही करवाना है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर अल्फा फीटो प्रोटीन, बी ऑप्शन है बीटा SCG, थर्ड ऑप्शन है इनहिबिन ए, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है कंजुगेटेड एस्ट्रियोल। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा सी, इनहिबिन ए,
ये तीनों इसके अंदर ए बी एंड डी, ये तीनों इसके अंदर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में निकलता है कि अल्फा फिटो प्रोटीन के बारे में पूछ लिया आपको, बीटा एसिड के बारे में तो हमेशा पूछता है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में पूछ लिया, कब सीक्रेट ज़्यादा मोर सीक्रेट कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है इन द प्रेगनेंसी इन द नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल में तो मिनिमम बिल्कुल जीरो लेवल पे होता है, बट जब प्रेगनेंसी होती है तो बीटा एससीजी का लेवल बढ़ जाता है, उससे हम पता लगा पाते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई या नहीं हुई, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऐसे ही क्वेश्चन निकलता है एनिकोजिकेटिव एस्ट्रियल का। तो इन तीनों के बारे में आप, मैं तो बोलूंगा कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि इनके अंदर से वापस क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए इसके अंदर आंसर आएगा सी, इनहिबिन ए इंक्लूड नहीं होता है। ओके, हॉर्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि स्पर्म का जब प्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब इसके अंदर आंसर आएगा डी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर सारे जो हॉर्मोन होते हैं जो तीन दिए गए हैं FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आएगा डी। अब मैं आपको बता दूं कि हॉर्मोन रेस्पॉन्सिबल स्पर्मेटोजेनेसिस, अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आप जरूर पढ़ लें क्योंकि अगली बार अब तो ये पूछ लिया, ठीक है, कौन से हॉर्मोन होते हैं, फिर बोलेगा कितना टाइम में होता है, कब होता है, कितना कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आप जरूर पढ़ लें। ये फोलिक स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू एग्जाम, तो इनको दोनों को जरूर पढ़ लें आप, ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये है कि इन तीनों के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़े आप, FSH के बारे में पढ़े और LH के बारे में नोट कर लीजिए सारे पॉइंट जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देना है तो फिर आपको ये पॉइंट पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन कार्सिनोमा सर्विक्स इज, यानी कि मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है डेथ होने का इन कार्सिनोमा सर्विक्स, जब सर्विस का कैंसर होता है, कार्सिनोमा होता है, तो मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है जिससे डेथ हो सकती है पेशेंट की। सबसे पहले ऑप्शन है हेमरेज, बी ऑप्शन है यूरेमिया, सी ऑप्शन है इन्फेक्शन, डी ऑप्शन है कार्डिक अरेस्ट। तो इसके अंदर सीधा सीधा ऑप्शन आएगा यूरेमिया, ठीक है। अब ये कार्सिनोमा सर्विक्स का जो कार्सिनोमा होता है, ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, गड़ा गड़ा के पढ़ लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सर्विक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके कैंसर के बारे में पढ़ लीजिए, इसका ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट, वो सारे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जो भी आज तक ये डे पूछे गए हैं ना, हार्ट डे पूछा गया है, टीबी डे पूछा गया है, WHO पूछा गया है और अब डायबिटीज पूछ लिया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो मैं आपको स्पेशली वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट से जुड़ सकते हो 8104841810, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका ऑप्शन आएगा बी, यानी कि 14 फरवरी इसका डेट आएगा, यानी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इग्नोर मत करना ऐसे क्वेश्चनों को। बेस्ट मेथड कैन बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कैथेटर इज, बेस्ट मेथड कौन सा है कैथेटर, जो हम यूरिनरी कैथेटर बोल सकते हैं या और भी कोई कैथेटर बोल सकते हैं जो रबर टाइप के होते हैं, तो कैथेटर को हम कैसे यानी कि स्टलाइज कर सकते हैं, बेस्ट मेथड कौन सा है। तो फूमिगेशन तो नहीं है, बॉइलिंग तो हम कर नहीं सकते, रेडिएशन हो सकता है, ऑटोक्लेव में हम करते नहीं है, ठीक है। तो इसका बेस्ट जो मेथड है वो होगा रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन के बारे में आप जरूर पढ़ लें और कैथेटर के बारे में, कौन कौन से कैथेटर कैसे यूज़ में लेते हैं और कौन से टाइम में यूज़ करते हैं, यूरिनरी कैथेटर कैसे यूज़ में करते हैं, ठीक है, और भी जो ट्रेकिस्टोमी होती है इसमें जो कैथेटर यूज़ में लेता है, वो कैथेटर के बारे में सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर आंसर आएगा सी, रेडिएशन। बिशप स्कोर इज यूज फॉर असेसिंग, यानी कि जो मेरी बुक आ रही ना उसके पे बिशप स्कोर का पूरा एक ट्रिक वाइज मैंने दिया है कि आप बिशप स्कोर को कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बिशप स्कोर के बारे में आप जरूर पढ़ लें क्योंकि बिशप स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है OBC से रिलेटेड में बात करूँ तो, ठीक है। तो फिटल वेलबिंग नहीं, प्रोग्रेस ऑफ लेवल नहीं, इंडक्शन ऑफ लेवल हो सकता है, गेस्टेशनल एज ऑफ फिटस,
ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन आने वाला है सी, इंडक्शन ऑफ द लेबर, ठीक है। इंडक्शन ऑफ द लेबर को हम असेस करते हैं बिशप स्कोर से, ठीक है। तो बिशप स्कोर का पूरा एक चैप्टर है छोटा सा, वो जरूर आप पढ़ लें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू ओबीजी। चलिए इसके अंदर सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट, यानी कि पूछा है इन जनाब ने कि आईडी इंजेक्शन जो होता है वो कितने डिग्री पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा 15 डिग्री पर लगाते हैं, 15 डिग्री कैन यूज, 30 डिग्री पर नहीं लगाते, 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पर नहीं लगाते, 90 डिग्री पे भी नहीं लगाते। तो ऑप्शन सीधा सीधा आ गया 15 डिग्री। इसके कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ लीजिए आईएम, पढ़ लीजिए आईवी, कौन सा कैनूला यूज में लेते हैं, कितने टाइप के नीडल यूज़ में लेते हैं, कौन कौन से साइट यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो सारे इंजेक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ लें, इतना कोई लेंथी कोर्स नहीं है, ज़रूर ज़रूर सारे इंजेक्शन के बारे में पढ़ लें, कौन सा कोई कितनी डिग्री पर लगता है, कौन से साइट पर लगता है, कौन से नीडल यूज़ में लेते हैं, वो सारा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग द लंग विथ अस्थमा, विच साउंड द नर्स मोस्ट लाइकली टू हियर। जब किसी पेशेंट के अस्थमा हो जाता है तो हम, जब पेशेंट सांस लेता है दम, हम क्या सुनते हैं, कैसी आवाज़ सुनते हैं, वीजिंग, सीटी, सीटी टाइप हम क्रैकल्स नहीं होता, रेल्स नहीं होता, प्लूरल फ्रिक्शन रिब नहीं होता, हम सुनते हैं वीजिंग साउंड, यानी कि सीटी टाइप की आवाज़ आती है, ये होता है अस्थमा में। तो अस्थमा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको सीओपीडी, अस्थमा, ये दोनों चीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अब नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर आप पढ़ लें। इसके अंदर आंसर आएगा ए, वीजिंग साउंड। नेक्स्ट 14, द मेजर कंट्राइंडिकेशन ऑफ गिविंग ECT टू पेशेंट इज, यानी कि जब ECT के बारे में भले आपको बता दिया है, फिर से आ गया है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी, ठीक है, ये हम देते हैं, ठीक है। तो हम किस पेशेंट को ये नहीं देते हैं, पूछा ये है। तो ECT का पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसके इंडिकेशन, किस कंडीशन में देते हैं, किस कंडीशन में नहीं देते हैं, ठीक है। आपके पास नेट होगा, नोट्स होगे, तो आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सीधा सीधा ऑप्शन जो याद कराने का तरीका है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब होता है उस कंडीशन में हम इसको नहीं देते हैं, क्योंकि यह प्रेशर पैदा करता है बॉडी के अंदर, ये जब देते हैं तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ठीक है। तो हम इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, अगर हमने ECT भी दे दी तो और बढ़ जाएगा, पेशेंट डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम ICP जब बढ़ा हुआ होता है तो मोस्ट मेजर कंट्राइंडिकेशन होता है ECT, उसको नहीं देते हैं। ECT का प्रेशर, ECT के टाइप, ECT के डेफिनेशन, किस कंडीशन में देते हैं, किस कंडीशन में नहीं देते, जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल, यानी कि जैसे कि हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करती है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, EPR, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन करती है सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग, दो एक्सेप्शन है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा जो नहीं करती है, हेलोपेरिडोल क्या करती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन करती है। चलिए अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, तीन डिजीज गांठ बांध लेना, तीन डिजीज आपको कंट्रास्ट पढ़नी ही है, इनमें क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, रिलेटेड ड्रग, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, रिलेटेड टू डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कोर्स, ये जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज का अर्ली साइन कौन सा होगा, वो होगा ट्रेमर्स, कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एस्पिरिन, अब एस्पिरिन का भी पूछ लिया, वो तो एंटीसाइकोटिक ड्रग थी, ये नॉर्मल जो पेन किलर वगैरह होती है हार्ट के पेशेंट को एस्पिरिन वगैरह देते हैं हम, ठीक है। तो इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट एस्पिरिन का क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ज़्यादा फोकस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है।
Which suture material used in to surgery is more reactive than other? सबसे ज़्यादा, सबसे कम से 8-9 बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा सूचर होता है? सूचर के टाइप जरूर पढ़ ले, कौन सा सूचर हम बच्चे के यूज़ करते हैं, कौन सा बड़े के एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं, कौन से यानी कि ओल्ड पर्सन के यूज़ करते हैं, सारे पढ़ ले, ठीक है? मैंने फॉर्मूला भी बताया था, प्लेन क्रोमिक क्रोमिक जो है उसको ब्रोमिक भी बोलते हैं, नाइलॉन और विसर। मैंने फॉर्मूला ये बनाया था कि प्लेन प्लेन जो कटकट होती है, आंसर मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है प्लेन कटकट होता है, ठीक है? अब प्लेन को याद कैसे करें, कौन से कलर का होता है? पी फॉर पीला, ठीक है? तो येल्लो कलर का ये होता है। क्रोमिक को ब्रोमिक ही बोलते हैं, दी बी फॉर ब्राउन, एन फॉर नाइलॉन, ठीक है? तो एन पर यानी कि विसरल हो गया, थर्ड का थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ, और जो विसरल हो गया वॉयलेट कलर हो गया उसका, ठीक है? तो आंसर इसके अंदर आएगा प्लेन कटकट। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाई इंट्राडर्मल रूट, ठीक है? अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये पूछा जाता है कि कौन सी IM देते हैं, कौन सी ID देते हैं, कौन सी SC देते हैं, कौन सी साइट पे देते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है? इसके अंदर बोला है कि कौन सी ड्रग नॉट एडमिनिस्टर्ड बाई इंट्राडर्मल, कौन सी इंट्राडर्मल नहीं देते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, इंसुलिन कभी भी इंट्राडर्मल नहीं देते, वो देते हैं SC, सबकूटेनियस। BCG भी ID देते हैं, मोन्टेक्स टेस्ट भी ID देते हैं, ड्रग सेंसिटिव इंजेक्शन भी ID देते हैं, कौन सा नहीं देते हैं? इंसुलिन, गांठ बांध लेना। तो यानी कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ठीक है? 20 क्वेश्चन, टू एनहेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच विटामिन कैन नीड, यानी कि अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कौन सा विटामिन करता है? तो इसके अंदर आंसर आएगा सी, विटामिन के नहीं करता, विटामिन ए नहीं करता, सी नहीं करता। यानी कि विटामिन के बारे में पहले मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि फैट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन दोनों जरूर पढ़ लें, उनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ गया कि कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन कौन सा विटामिन करता है, फैट सोल्युबल करता है या वाटर सोल्युबल, ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं। तो वाटर सोल्युबल विटामिन करता है, ठीक है? सी, विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, खुश रहो खुश रखो।